गर्मी, तो आज हम मलबार पराठा ट्राई करने वाले। तो मलबार पराठा ट्राई करने के लिए हम मदुरई नहीं जाने वाले, हम यही घर पे रेडी टू ईट मलबार पराठा ट्राई करेंगे। जो बेसिकली आज हम एक शॉप पे गए थे, तो दिन में आने गए इसको घर पे लेके आने के लिए। तो अभी इसको ट्राई करेंगे, लेट्स सी ये कैसे बनता है। कुक हो जाएगा अच्छे से, ज़्यादा देर भी नहीं लगती। इसलिए बहुत इजी होता है मलबार पराठा बनाने के लिए। हम भी फर्स्ट टाइम ही इसको ट्राई करने वाले हैं। टेस्ट मालूम नहीं कैसा है, पर देखेंगे। तो इसके साथ आलू की सब्जी या छोले की सब्जी ट्राई कर सकते हैं आप लोग। बेसिकली मदुरई में जो मलबार पराठा खाते हैं वो कौन सी सब्जी, मतलब बेसिकली नॉनवेज के साथ भी ये ट्राई करते हैं। जो मदुरई वगैरह साइड में जो खाते हैं, ये चिकन के साथ भी टेस्टी रहता है मलबार पराठा। हो गया ये रेडी, तो देख सकते हो आप लोग ये रेडी हो चुका है फाइनली। फूल भी गया है, जैसे फूलता है देखो कैसे फूल चुका है। बहुत ईजी है दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई करिए। अच्छे से सेपरेटली हो रहे हैं, जैसे लग रहा है अभी अभी फ्रेशली बनाया है, ऐसा रेडी टू ईट लग ही नहीं रहा है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से लेयर्स निकल के आ रहे हैं, लाइक ये पक चुका है फाइनली। टेस्ट करके देखेंगे टेस्ट कैसा है, दिखने में तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, अभी टेस्ट करके बताएंगे आपको कैसा लग रहा है। अपनी डिश बन चुकी है, तो ये पराठा तो है रेडी टू ईट। तो घर में आलू की सब्जी बनी थी, तो हमने साथ में वो ली है, और अचार है, और अपनी अपना प्याज है। तो चलिए सब्जी के साथ ट्राई करेंगे।
इसको एक्चुअली ना बेसिकली जो मदुरई साइड वगैरह में जो खाया जाता है ना, तो इसको क्रश करके ना इसके ऊपर सब्जी डाली जाती है, ये पराठे तो वो भी एक बार ट्राई करके देख लेना। क्रश करके दिखाता हूँ मैं, मैंने देखा था, सबने भी एक किसी चैनल पे देखा था इसको, उसको पूरा क्रश किया जाता है तो इसके ऊपर सब्जी डाल के सब्जी डाल के देखते हैं। तो चलिए सब्जी डाल के